हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम कॉलिंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ DSSSP GT का गृह विज्ञान का पेपर, जिसका ये सेकंड पार्ट है। इसकी फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो फ्रेंड्स उसे देखना ना भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिफल का उच्चतम दर प्राप्त करेगा? इसका इंग्लिश में मीनिंग हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फैच द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। फर्स्ट है राष्ट्रीयकृत बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट विथ इंटरनेशनल बैंक्स, डाकघर में आवर्ती खाते, रिकरिंग अकाउंट विथ पोस्ट ऑफिस, फिर निजी बैंकों में बचत खाते, सेविंग अकाउंट विद प्राइवेट बैंक, और सार्वजनिक भविष्य निधि मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है फ्रेंड्स, सार्वजनिक भविष्य निधि। अपने पाठकों की जरूरतों और रुचियों को जानने के अलावा निम्नलिखित में से एक और बात क्या है जो हमें पता होनी चाहिए? एक, संदर्भ, दूसरा, सामग्री, तीसरा, प्रेफरेंस, फोर, लेखक के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें कंटेक्स्ट के बारे में, मतलब कंटेंट क्या है उसका, क्या संदर्भ है उसको हमें पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 313। कौन सा गणितज्ञ अपने लघु गणक के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हुआ? मतलब कौन सा ऐसा गणितज्ञ मैथमेटिशियन था जो लघु गणक मतलब माइक्रो मैथमेटिक्स के लिए फेमस हुआ? तो वो है जॉन नेपियर इसके लिए फेमस हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में पर्यायवाची शब्द लेखन का अर्थ है? सिनोनिम्स इन इंग्लिश राइटिंग मींस, शब्द या वाक्य एक ही अर्थ है, वर्ड ऑफ फ्रेजेस मीनिंग द सेम थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हुआ? वर्ड ऑफ फ्रेजेस मीनिंग द सेम थिंग, मतलब वाक शब्द और वाक्य एक ही अर्थ है। ठीक है, लिखने के लिए नए पेज तथा बोर्ड का उपयोग करना ये तो गलत है ही है, शब्दों को बार बार प्रयोग करना ये भी गलत होता है, और तुकांत शब्दों का प्रयोग करना ये भी गलत है। तू करके बात करने, जिसका अंत तू का अंत, मतलब जिस शब्द का अंत तू से ख़त्म हो, वैसे शब्दों का प्रयोग करना, तो वो ये भी गलत है। जब हम किसी से बात करते तो अभाव आदर भाव से बात करते हैं, तो हम ये तीनों चीज़ें तो कट ही गई, क्योंकि ये एक किसी भी राइटिंग के लिए ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? शब्द और वाक्य एक ही अर्थ होने चाहिए, अपने जो शब्द हैं जो वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं उनसे एक ही अर्थ आना चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या शामिल है? एक, इनपुट यूनिट और कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक यूजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, माउस और कीबोर्ड, फोर्थ इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में शामिल है अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजी में तकनीकी लेखन में दो अनिश्चित लेखों के नाम बताएं। ए, इसको हम इंग्लिश में समझ लेते हैं, नेम टू आइडेंटिफाई आर्टिकल इन टेक्निकल राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, फर्स्ट है ए और एम, सेकंड है डियर एंड रिस्पेक्ट, थर्ड है दे और देयर, फोर है एज और एफ। तो जब हम किसी भी कंटेंट को राइट करते हैं तो हम डियर और रिस्पेक्ट का यूज़ करते हैं, दे और देयर का भी यूज़ करते हैं, एज और इफ का भी यूज़ करते हैं, पर ए और एन का यूज़ हम किसी को संबोधित करने के लिए नहीं करते हैं। तो तकनीकी लेखन में दो अनिश्चित लेखों का क्या है? तो वो है ए और एन। ए और एन का यूज़ हम तब यूज़ करते हैं सेंटेंस में, आर्टिकल का यूज़ तब किया जाता है जब कोई स्पेसिफिक कोई वर्ड हो उसके आगे, जब आ का साउंड निकलता है तब आ और एन का यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड वाइल राइटिंग टेक्निकल इंग्लिश. एक टेक्निकल इंग्लिश को लिखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती नहीं है. ठीक है, रिसर्च की आवश्यकता होती है किसी टेक्निकल के लिए. फिर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है. अगर हम सोच के लिखेंगे तो चीज़ें अच्छी लिखेंगे. यूज़ ऑफ राइटिंग टूल्स का अगर हम यूज़ करेंगे तो ही हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं. कंप्यूटर नेसेसरी नहीं है. आप बुक पर भी कोई कंटेंट अगर लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख सकते हैं, या कॉपी पे पेज और कॉपी पे, या पेन और पेपर के थ्रू आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं 18 का उपयोग दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर द्वारा किया जाता है. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है फ्रेंड्स, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. आर यूज बाय सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. तो जो माइक्रो प्रोसेसर है ये फोर्थ जनरेशन है. ट्रांजिस्टर जो है ये सेकेंड जनरेशन है. निर्वातन नली मतलब वैक्यूम ट्यूब ये फर्स्ट जनरेशन है. और एकीकृत परिधान मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट ये थर्ड जनरेशन है. ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको सबकी जनरेशन बता दी. अगर क्वेश्चन घुमा करके आपकी बार पूछा जाए तो आपको चारों की जनरेशन पता होनी चाहिए. नेक्स्ट आगे देखते हैं. एक स्थिर उपकरण पर रखे गए गतिशील गेंद का नाम बताइए जिसे उंगलियों का उपयोग करके हाथ के मैनुअल रूप में घुमाया जा सकता है. आप माउस को देखते हैं, इसमें माउस की बात हो रही है. माउस में जो बॉल होता है उसे ट्रैक बॉल कहते हैं. तो राइट आंसर इज ट्रैक बॉल. ठीक है, जॉयस्टिक गेम के लिए प्रयोग होती है. और पॉइंट बॉल ये दूसरी चीज़ है, पैराबॉल ये अलग चीज़ें हैं. पर ट्रैक बॉल माउस में लगा होता है जिसको हम घुमा करके अपने कर्सर को इधर से उधर ले जा सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कंटेक्चुअल फैक्टर इफेक्टिंग HR पॉलिसी. HR पॉलिसी को कौन सी मोस्ट इफेक्ट पहुँचाती है? तो वो है लीगल कंटेंट. जो HR का काम होता है वो लीगल कंटेंट पर ज़्यादा काम करता है, कि वो लीगली किसी चीज़ को, किसी को जॉब दिला रहा है या किसी को जॉब से हटा रहा है, तो उसको लीगली उसका पूरा प्रोसेस देखने का काम HR का होता है, HR पॉलिसी में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कशिकाश्वक में कशिकाओं का मोटा होने के कारण होता है. कशेरुकाएँ जो होती हैं उनके मोटे होने का कारण क्या होता है? वो होता है नेफ्रोपैथी. ठीक है, वो नेफ्रोपैथी के कारण होता है, नेफ्रोपैथी के कारण होता है. ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत डिफिकल्ट है, बोलने में दिक्कत हो रही है, बट इसका है धमनियों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाना. जब धमनियों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है. और न्यूरोपैथी जो है ये एक तरीके की नसों के खराब होने या नसों के खोला जाता है, इसके थ्रू एक तरीके का उपचार होता है. और दृष्टि पटल विकृत होना मतलब कि आपको जैसे कि धुंधला दिखाई देने लग जाना, ये एक इसका सिम्टम्स हो जाता है. ठीक है, तो कशिकाश्वर में केशिकाओं का मोटा होने का कारण क्या है? नेफ्रोपैथी है. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं. कौन सा गर्भावस्था की पहली तिमाही में मॉर्निंग सिकनेस का कारण नहीं है? मॉर्निंग सिकनेस का कारण कौन कौन से है उन्हें आप समझ लीजिए पहले. तो वो है हार्मोन्स का असंतुलन होना, खाद्य गंध मतलब कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कुछ खाने की चीज़ों से स्मेल से उनको उल्टियाँ होने लगती हैं, पानी का कम सेवन करते हैं तो भी दिक्कत होती है. और इस बढ़ा हुआ रक्त ग्लूकोज, इससे इसका कोई मतलब नहीं है. तो इसका राइट, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर बढ़ा हुआ रक्त ग्लूकोज हो जाएगा. समानतया का सूत्र है. ठीक है फ्रेंड, समानतया का सूत्र है. फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी इज फर्स्ट मोरल द्रव्यमान / क्षारता. तो मोरल मास एंड
कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है यौगिक का भार और तुल्यक की भार। तो वेटिंग ऑफ कंपाउंड इक्विवेलेंट वेट, मतलब तुलना की भार उसका इक्विवेलेंट वेट। फिर तुलना की भार लीटर में विलयन का आयतन, इक्विवेलेंट वेट ऑब्लिक वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर विलय का मोरल द्रव्यमान ऑब्लिक विलायक का द्रव्यमान, मोरल मास ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्लिक मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है तुगलकी मार्क ऑब्लिक लीटर में विलय का आयतन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एक वयस्क पुरुष के में विटामिन ए की दैनिक खुराक कितनी होनी चाहिए? तो ये 2020 के जो आरडीए की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बताया गया है। 2020 की आरडीए आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसमें बताया गया है कितना, 1000 mcg। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय के साथ वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि को कहा जाता है, एक मजदूरी, दूसरा विधेयक, तीसरा ऋण, चौथा मुद्रास्फीति। तो समय के साथ वस्तुओं तथा सेवाओं में मूल्य में वृद्धि जो होती है उसका कारण होता है मुद्रास्फीति। जैसे जैसे हमें कोई चीज़ पसंद आती जाती है, आप देखते हैं धीरे धीरे करके उसके पैसों में वृद्धि होती चली जाती है, क्योंकि उसका प्रचलन बढ़ जाता है, उसको लोग पसंद ज़्यादा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इससे क्या होता है, मुद्रास्फीति। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। विच फूड कंपोनेंट हैज ब्लॉकिंग या सप्रेसिंग इफेक्ट्स? तो ये होता है फ्रेंड्स आइसोफ्लोवेंस की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, आइसोफ्लोवेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन WBC श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रकार है? एक प्रतिजन, दूसरा जीवाणु कोशिकाएं, तीसरा एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, फोर्थ है टी लिम्फोसाइट्स। तो फ्रेंड्स WBC का आपको हमेशा से पता होगा, ये टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वृद्धावस्था में विटामिन डी की खुराक क्यों बढ़ जाती है? वृद्धावस्था में विटामिन डी की खुराक बढ़ा क्यों दी जाती है, ये एक बहुत ही इसका आसान आंसर है। आप ऑप्शन पढ़ोगे आप अपने आप आंसर दे दोगे। रक्त में फास्फोरस के स्तर को बढ़ाए रखने के लिए, दूसरा अस्थि क्षति या फ्रैक्चर से बचने के लिए, तीसरा फ्लू विकसित होने की संभावना कम करता है, चौथा सामान्य परिरक्षा प्रणाली के कार्य को सुगम बनाता है। मतलब यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, अस्थि क्षति तथा फ्रैक्चर से बचने के लिए। इम्यूनिटी सिस्टम से इसका कोई मतलब नहीं होता विटामिन डी का, फ्लू से भी इसका कोई मतलब नहीं है, रक्त में फास्फोरस के स्तर को बढ़ाए रखने के लिए भी विटामिन डी का कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ अस्थियों की क्षति, विटामिन डी और कैल्शियम किसके लिए है, अस्थियों की क्षति के लिए या अस्थियों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा अस्थि क्षति या फ्रैक्चर से बचाने के लिए विटामिन डी की खुराक बढ़ा दी जाती है। 4 से 5 मिलियन उंगलियों और प्रक्षेपणों से आंतरिक आंतों की दीवार को कहा जाता है, ए इसियोडोपोडिया, दूसरा विल्वी, तीसरा सीलिया, चौथा क्रेस्टे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विल्वी। विल्वी जो होती हैं वही हमारी आंतों में पाई जाती हैं, जो अंगूर के आकार, अंगूर की कुछ संरचना उनकी होती है, आकार उनका छोटा होता है बहुत, पर उनकी संरचना जो होती है वो अंगूर जैसी होती है, तो वो क्या है, विल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई कोशिका भित्ति का निर्माण नाम के साधारण अग्रदूत प्रिकर्सर के निर्माण से शुरू होता है, तो द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वेल बीइंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर सेल्स। इसका ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका विभाजन, तो सेल डाइवर्जन, कोशिका पट, सेल प्लेट, परिपक्व कोशिका, मैच्योर सेल,
कोशिका निर्माण, सेल फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, कोशिका पट मतलब सेल प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, टमाटरों में मौजूद कैरोटीनॉइड है, फर्स्ट ताम्र, दूसरा लाइकोपिन, तीसरा एंथोसाइनिन, चौथा कैटेनिचिन। तो फ्रेंड्स टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेट में भी आ चुका है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा चुका है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ईजी भी है कि लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, वो लाइकोपिन के कारण होता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, टर्नरी कॉम्प्लेक्स से बंधे राइबोसोम को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्रियोस्टेक्टोटॉन माइक्रोस्कोपी, क्रोयो ईएम, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, थर्ड प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, फोर्थ यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो फ्रेंड्स आप इसके ऑप्शन से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी ये तो एक व्यवहारिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और यौगिक सूक्ष्मदर्शी ये लगभग तीनों एक जैसे ही हैं और इनका इससे कोई संबंध दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने सिंपली पूछा है टर्नरी कॉम्प्लेक्स से बंधे राइबोसोम्स को देखने के लिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक किसी टर्म का यूज़ किया जाता है, तो आप समझ जाइए कि क्रोयो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, क्रायो ईएम ये टेलीस्कोप का यूज, माइक्रोस्कोपी का, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पेप्टाइड आबंध निर्माण में कार्बोक्सिल समूह से के साथ अभिक्रिया करता है, एक वसा, दूसरा रेशा, तीसरा अमीनो समूह और तीसरा फास्फोरस। तो पेप्टाइड ग्रंथि जो होती है वो फैटी एसिड में पाई जाती है और फैटी एसिड जो होती है वो अमीनो समूह के लिए का एक अंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें वसा नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलत किया था, वसा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अमीनो समूह, अमीनो एसिड्स। मैं आयरन के अवशोषण को बढ़ाता हूँ, मैं कौन हूँ, ये इन्होंने DSSS में एक नया तरीका निकाला था क्वेश्चन पूछने का कि मैं कौन हूँ कर करके, ये मोस्टली ये NCERT की बुक्स के उठाया हुआ है, वहीं की लैंग्वेज से ही है ये क्वेश्चन, 12th की बुक से, कि मैं आयरन के अवशोषण को बढ़ाता हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं विटामिन ए हूँ, बी हूँ, कैल्शियम हूँ या विटामिन सी हूँ। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स विटामिन सी, ठीक, विटामिन सी के ही प्रेजेंस में आयरन को अवशोषण किया जाता है। जरार रोग विद्या में आहार संसाधनों के लिए कथन चुने, जरा रोग विद्या मतलब कि सर्जरी जिन जो लोग करते हैं जरा रोग विद्या उसको कहते हैं, ठीक है। इसमें खाने के लिए क्या देखा जाता है कि रेशा युक्त भोजन से बचना चाहिए, ऑपरेशन से पहले रेशा युक्त अगर खाना खाएंगे आप तो आपका पेट साफ हो जाएगा, ये तो अच्छी बात होगी, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है बहुत अधिक वसा और शक्कर वाली कई मिठाइयों से बचना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि वसा और शक्कर आप बहुत ज़्यादा तो नहीं खा सकते पर थोड़ा फूड में मौजूद होना चाहिए, वो आपके बॉडी में ग्लूकोज बनाए रखेगा और वसा जो है थोड़ा फैट आपको एनर्जी प्रदान करेगा। ट्राइग्लिसराइड अधिक देना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हुआ, आसानी से पचने वाला भोजन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी में छवि बनाने में कौन सा लेंस प्रदीपक के से प्रकाश को नमूनों के छोटे से क्षेत्र में केंद्रित करता है, एक कंडेंसर लेंस, दूसरा कलेक्टर लेंस, तीसरा ऑब्जेक्टिव लेंस, तीसरा IPS लेंस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फर्स्ट कंडेंसर लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप लोगों ने अगर देखा होगा कि मैंने क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व करवाने की कोशिश की है और कोशिश किया है कि आपको अदर ऑप्शंस के भी क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं उनके बारे में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में प्रकीर्ण से शुरू होता है, एक अम्लेज, दूसरा लैटिन, तीसरा अल्फा अम्लेज और तीसरा टाइलिन। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है टाइलिन थ्रू मुंह से शुरू हो जाता है, तो राइट आंसर टाइलिन हो गया। थोड़ा सा घुमा के पूछा है पर इसका आंसर आपको बहुत ही आसानी से पता होगा। दिए गए खाद्य पदार्थों के 100 ग्राम में से कितने किसमें सबसे अधिक प्रतिऑक्सीकारक हैं, एक बादाम, दूसरा काजू, तीसरा अखरोट, चौथा हेजलनट। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, अखरोट, क्योंकि अखरोट में सबसे ज़्यादा प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वजन घटाने या डाइटिंग के प्रयासों के बाद अधिक खाने के विकार का नाम बताइए। तो जब हम डाइटिंग करते हैं तो हम अपने खाने को रोकते हैं, हम अपनी भूख की जो होती है टेंडेंसी उसको रोकते हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। पर जब हम डाइटिंग से बाहर निकलते हैं तो हम फिर से बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, बिगोरेक्सिया, एनोरेक्सा नर्वोसा, बिलीरुमिया नर्वोसा या आर्थोरेक्सिया नर्वोसा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बिलीरुमिया नर्वोसा। हम खाना बहुत तेज़ी से स्टार्ट करते हैं जिससे कि वापस से ओबेसिटी हो जाती है, वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं करती जीवन चरण से बाहर निकलकर एक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश करती हैं उसे कहा जाता है सेल दैट डू नॉट डिवाइडेड फ्यूचर एग्जिट जीवन फेज टू इंटर इन एन एक्टिव स्टेज कॉल्ड फर्स्ट उत्क्रम की अवस्था, इनएक्टिव जी स्टेज, शून्य अवस्था, निल स्टेज, निष्क्रिय जी अवस्था, रिवर्स जी स्टेज, अचल अवस्था, क्यूसिट स्टेज। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अचल अवस्था, क्यूसिट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शैशवावस्था के दौरान भार और ऊंचाई में आदर्श वृद्धि होनी चाहिए, एक भार और ऊंचाई 2 गुना, तीसरा भार 3 गुना और ऊंचाई 1/3 गुना, तीसरा भार 2 गुना और ऊंचाई 3 गुना, चार 1/3 गुना भार ऊंचाई 2 गुना। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको पता है भार 3 गुना और ऊंचाई 1/3 गुना बढ़नी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत क्या बताता है, हम नैतिक सोच के 3 स्तरों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं जो हमारे संज्ञानात्मक विकास पर बनते हैं, दूसरा बच्चे इरोजेंस जोन से संबंधित अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से विकसित करते हैं, तीसरा एक सफल पूर्ण व्यक्ति बनने के लिए विभिन्न संकटों का समाधान, चौथा यह विचार कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वे अपने आसपास की दुनिया का पता लगाते हैं और उसमें हेरफेर करते हैं। तो फ्रेंड्स फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत क्या है पहले हम इसे समझ लेते हैं। फ्राइड का कहना है फ्राइड मन की तुलना बर्फ से की है, फ्राइड ने मन की तुलना बर्फ से की है। जैसे बर्फ को अगर पानी में डालते हैं तो उसका 90% भाग पानी में और 10% भाग बाहर रहता है, वैसे ही चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था अर्धचेतन होती है। फ्राइड के व्यक्तित्व संबंधित विचारों को मनोलैंगिक विचार सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस अनुसार बच्चे इरोजन जोन से संबंधित अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से विकसित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऋणादान किसी और के पैसे को कुछ समय के लिए उधार पर देता है और आपके द्वारा दिए गए पैसे को के नाम से जाना जाता है, एक ब्याज, दूसरा प्रतिफल, तीसरा कर्ज, चौथा आय। तो उसे कर्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है
हम क्या इसमें क्या कर रहे हैं, ऋणदाता क्या, ऋणदान किसी और के पैसे को कुछ समय के लिए उधार पर देता है और उसके द्वारा दिए गए पैसे को के नाम से जाना जाता है कर्ज। उसने क्या लिया है, कर्ज लिया है, कर्ज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें अभौतिक खाते की आवश्यकता होती है, एक फिक्स डिपॉजिट बनाने के लिए, दूसरा संपत्ति बेचने तथा पूंजीगत लाभ को बचाने के लिए, दूसरा संपत्ति बेचते समय पूंजीगत लाभ कर बचाने के लिए, तीसरा प्रोजेक्टिव फंड प्रोविडेंट फंड खाते की पैसे निकालने के लिए, चौथा शेयर धारण करने के लिए। इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं, हमें अभौतिक खाते की आवश्यकता क्यों है, व्हाई डू वी नीड आर डीमैट अकाउंट। फर्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने के लिए, टू क्रिएट फिक्स डिपॉजिट, दूसरा संपत्ति बेचते समय पूंजीगत लाभ कर बचाने के लिए, टू सेव कैपिटल गेन टैक्स व्हेन यू सेल अ प्रॉपर्टी, थर्ड प्रोविडेंट फंड खाते से पैसे निकालने के लिए, सो टू विड्रॉ मनी फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अकाउंट, फोर्थ शेयर धारण करने के, शेयर धारण करना मतलब टू होल्ड शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आहार विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है जिसमें शामिल नहीं है एक डॉक्टर, दूसरा चिकित्सक, तीसरा एक्सरे तकनीशियन, चौथा नर्स। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन देखते ही आप जान जा रहे हैं कि एक्सरे तकनीशियन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे यही एक ऑड है और यही इसका आंसर भी है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 2020-21 के लिए ATC की सीमा क्या है, तो वो है 150,000। ठीक है फ्रेंड्स।